हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे थे हम लोग, और लास्ट क्लास में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टॉर्म सर्ज, थंडर स्टॉर्म्स एंड ऑल दैट साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। इसी डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लोन के बारे में, और इस तरीके से हमारा एक टॉपिक और बच जाएगा टेम्परेट साइक्लोन को लेकर के, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, let us complete and let us crack, but before that these are our contact details and these are some of the available courses on YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on subscription. Climatology में topics अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने temperate tropical cyclone discuss किया, फिर thunderstorm and tornadoes discuss किया, और आज हम लोग देख रहे हैं naming of cyclone के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक होगा, एंड देन वी विल डिस्कस टेम्परेट साइक्लोन, बट आज नहीं, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। नेमिंग ऑफ साइक्लोन के बारे में बात करें तो पहले तो एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है, इसमें तीन चार चीजें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली कि आखिर में नेमिंग किया क्यों जाए, दूसरी नेमिंग करने से फायदा क्या है, और तीसरी नेमिंग करते कैसे है। तो ये हमारी तीन बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम लोगों को इस नेमिंग के बारे में देखना होता है। ये हालांकि प्रीलिम्स के लिए ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हालांकि पूछा तो जा सकता है, बट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। इनफैक्ट 2013 में एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था कि आखिर में साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो फटाफट देखें, अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ओशियन को जितने भी बेसिन्स हैं, जितने भी कह लीजिए कि उसके कोस्टल इलाके हैं, उसको डिवाइड करके रखा है, एंड इट हैज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेमिंग द साइक्लोन टू द रेस्पेक्टिव रीजनल बॉडी। जैसे मान लेते हैं कि आपकी अटलांटिक ओशियन है, तो अटलांटिक ओशियन में ऑब्वियसली इंडिया तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कहीं से भी नहीं अफेक्टेड है वो, तो इस वजह से अटलांटिक ओशियन का मतलब हो जाता है जहां पर नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज और यूरोप की कंट्रीज आपस में मिल करके फिर साइक्लोन की नेमिंग कर रही होती है। सिमिलरली अगर पैसिफिक के बारे में बात करें तो पैसिफिक में हालांकि साइक्लोन्स आते तो हैं, बट दे आर नॉट एज मच डिवास्टेटिंग बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, और ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं। फिर भी इनकेस अगर आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जापान हो जाएगी, जापान यहाँ पर यूज कर रही होगी इस नेमिंग को लेकर के। इसके अलावा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये सारी कंट्रीज हो जाएंगी जो पैसिफिक के लिए रहेंगी। सिमिलरली अगर इंडियन ओशियन के बारे में बात किया जाए तो इंडियन ओशियन में या फिर बे ऑफ बंगाल में अगर मान लीजिए यहाँ पर साइक्लोन्स आती है तो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, या फिर पाकिस्तान, या फिर इंडिया, या फिर अफ्रीका की कुछ कंट्रीज, ये लोग बेसिकली मिलकर के तब जाकर के साइक्लोन की नेमिंग कर रहे होते हैं। तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली कि किस तरीके से डिवीजन किया जाता है। ईच रीजनल बॉडी हैज इट्स ओन रूल इन नेमिंग। इन मोस्ट रीजन्स प्री डिटरमाइंड अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेल एंड फीमेल नेम्स वर यूज्ड। अब कोई स्पेशल स्पेसिफिक चीज नहीं यूज किया जाता है, एक्चुअली देखा जाता है कि साइक्लोन किस तरीके से दिख रहा है, एंड अकॉर्डिंगली इसकी प्री डिटरमाइंड एक नाम होता है, उस प्री डिटरमाइंड नाम के थ्रू ही यहां पर नेमिंग की जा रही होती है। जैसे इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक एंड मेजोरिटी ऑफ द नेम्स यूज्ड आर नॉट पर्सनल नेम्स। जैसे कि जो भी पैसिफिक है, वन सेकेंड इसको इरेज कर देता हूं मैं, इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक द मेजोरिटी ऑफ द नेम्स यूज्ड आर नॉट पर्सनल नेम्स। Well, there are few males and female names. Majority of them are from flower, animal, bird, tree, flood, food. या इस तरीके से होती है। जैसे इंडिया में डाइटीज के नाम पे बहुत ज्यादा रखा जाता है, देवी देवताओं के नाम पे रखा जाता है, या फिर रख दिया जाता है जैसे माउंटेन को लेकर के, रिवर को लेकर के, या कोई स्ट्रक्चर अगर दिख रहा हो तो उससे रिलेटेड नाम रख दिया जाता है। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा जाता है क्योंकि अगेन ये कर्स भी हो सकती है, एक शाप भी हो सकती है, इस वजह से नाम नहीं रखा जाता है। Names of cyclone in Indian Ocean are not allowed in alphabetical order. जैसे यहाँ पर सीन क्या है जरा समझिएगा, जैसे Android वर्जन आप लोगों ने देखा होगा कि Android का अपना अपना नाम होता है, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, इस तरीके से ये नाम अपना रखते हैं, जैसे I for ice cream हो गया, और इसी तरीके से अलग अलग नाम सबके लिए असाइन किए गए थे, और इसी तरीके से के आ जाता है तो किटकैट वर्जन हो गया, तो ये इस तरीके से ये नाम रखते हैं, बट दे आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो किया जाता है, बट आर अरेंज्ड बाय द नेम ऑफ कंट्रीज विच कंट्रीब्यूट द नेम। तो अपने हिसाब से कंट्री अपने हिसाब से नाम रख रही
होती है. इट इज यूजुअल प्रैक्टिस फॉर अ स्टॉर्म टू बी नेम्ड व्हेन इट रीचेज ट्रॉपिकल स्टॉर्म स्ट्रेंथ. तो जब ये अपने स्ट्रेंथ पे पहुंच जाती है, और वो भी स्ट्रेंथ कौन सी, 34 नॉट्स के नियर अबाउट में मानी जाती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ में पहुंच गई. इससे पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत सारी बनती हैं, बट सबके सब जो होती हैं ऐसे खतरनाक तो होती नहीं है. तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है कि इट इश्यूज अ साइक्लोन एडवाइजर टू 8 कंट्रीज, हैज अ लिस्ट ऑफ नेम कंट्रीब्यूटेड बाई ईच ऑफ देम. तो जितने भी कंट्रीज इस साइक्लोन के द्वारा अफेक्ट हो रहे होते हैं, उन लोगों को दे दिया जाता है, मतलब अवेयर करा दिया जाता है कि देखिए ये साइक्लोन आई हुई है, एंड यू कैन नेम द साइक्लोन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. आपका समय आया हुआ है, इस बार आपका टर्न है, आप अपना नाम रख लीजिए. तो एवरी टाइम अ साइक्लोन अकर, अ नेम इज पिक इन द ऑर्डर ऑफ द नेम आफ्टर ऑलरेडी सबमिटेड. तो जो पहले से सबमिट किया जा चुका है उसी में एक नाम चूज कर लिया था अलग अलग कंट्रीज के द्वारा. इनफैक्ट नाम को अभी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से नाम है. ईच कंट्री गेट अ चांस टू नेम अ साइक्लोन आफ्टर ऑल द साइक्लोन गेट देयर टर्न द नेक्स्ट लिस्ट इज नेम इज फॉलोड. अगेन जो होती है इस तरीके से फॉलो कर लिया था. तो ये बेसिकली वो लिस्ट है जहां पर नाम दिए गए हैं. जैसे कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक हो गई जो बांग्लादेश है, दूसरी इंडिया हो गई, तीसरी मालदीव हो गई, फोर्थ वन इज द म्यांमार, फिफ्थ वन ओमान, सिक्स्थ वन पाकिस्तान, सेवेंथ श्रीलंका, एंड एट्थ वन जो है वो थाईलैंड है. तो ये वो 8 कंट्रीज जो बेसिकली नेमिंग कर रही होती है. तो ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि सारी कंट्रीज नहीं है. नाम के बारे में बात करें तो देखिए बांग्लादेश ने हेलन, शापला, ओखी एंड फनी दिया हुआ है. तो रिसेंट में आप लोगों ने ओखी और फनी का नाम सुना होगा, लास्ट ईयर फनी आई हुई थी. सिमिलरली इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने लहर, मेघ, सागर और वायु दिया था. इनफैक्ट 2019 में वायु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 2019 में वायु साइक्लोन आई थी अरेबियन सी में. मालदीव ने इसी तरह से मढ़ी, रोनू, मेकनू और हिक्का नाम दिया हुआ है. ऑल दो ये नाम अभी चूज पिक नहीं किए गए हैं, इन अ नियर फ्यूचर अगर आता है तो उसका नाम पिक कर लिया जाएगा. सिमिलरली म्यांमार के नाम आप देख सकते हैं, ओमान 2015 में देखिए हुदहुद आई हुई थी तो उसको लेकर के था, फिर नाडा, लुबन, ये सब आगे लिया जाएगा. सिमिलरली पाकिस्तान नीलोफर ये भी लिया जा चुका है, वर्दा लिया जा चुका है, तितली लिया जा चुका है, बुलबुल भी लिया जा चुका है. तो इसके नाम ऑलरेडी लिए जा चुके हैं. श्रीलंका में प्रिया हो गई, आसरी हो गई, गिबून हो गई, सोबा, इसके नाम नहीं लिए गए हैं. तो इन नियर फ्यूचर यू कैन लिसन दीज नेम्स इन द फॉर्मेट ऑफ साइक्लोन. थाईलैंड में जैसे कोमेन हो गई, अभी रिसेंट में देखिए एम्फन ये आई हुई थी, तो ये 2020 की साइक्लोन है, तो इसका नाम रखा गया था एम्फन. तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है और 8 कंट्रीज के द्वारा ये नेमिंग की जाती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि आखिर में नेमिंग करने से फायदा क्या है. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड टू प्रोवाइड ईज ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे क्या होता है ना कि एक डर बन जाता है साइक्लोन का और कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है. जैसे अभी बात करेंगे कि साइक्लोन आया है तो इट विल नॉट बी लाइक किस इलाके का साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल का है या फिर अरेबियन सी का है. लेकिन अगर वही बात कर ले हुदहुद आया है तो उड़ीसा वाले, आंध्र प्रदेश वाले समझ जाएंगे कि भाई हमारे इलाके को खतरा है, हम लोगों को इलाका खाली करना पड़ेगा, ये इलाका जो होता है वो फ्लड प्रोन है या फिर साइक्लोन प्रोन है. तो इससे ईज ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है बिटवीन फोरकास्ट एंड द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग फोरकास्ट एंड वार्निंग. सिंस द स्टॉर्म कैन ऑफन लास्ट अ वीक और इवन लॉन्गर, मोर देन वन साइक्लोन कैन बी अकरिंग इन द सेम रीजन एट द सेम टाइम, नेम कैन रिड्यूस द कंफ्यूजन. तो इस तरीके से आइडिया लग जाता है कि कौन सा इलाके में क्या दिक्कत आने वाली है. जैसे अगर सेंट्रल इंडिया के बारे में बात करें, सेंट्रल इंडिया एक तो बे ऑफ बंगाल के कारण से भी इसको अफेक्ट हो रही होती है, मतलब रेनफॉल हो रही होती है और तेजी से हवाएं चल रही होती है, और साथ ही साथ में एम्फन मतलब कि अरेबियन के कारण से भी हो रही होती है. तो इस तरीके से कंफ्यूजन ना हो और आइडिया लग जाए कि किसके कारण से कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज दीज आर मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स. और ये जो मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स होती है इनको रीड करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग अपने क्लाइमेट के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं. तो रिसर्च के लिए भी ये सब चीजें यूज की जाती है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेमिंग देम आफ्टर अ पर्सन, फ्लावर, एनिमल एटसेट्रा मेक इट इजियर फॉर द मीडिया टू रिपोर्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, इंक्रीजेस कम्युनिटी प्रिपेयरनेस, ऑल्सो हेल्प इन क्विक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन फेयरवेज स्टेशन, और जितनी भी चीजें होती हैं उनको, मतलब एक तरीके से ये है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए आसानी हो जाती है. तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में और इस तरीके से हम लोग अपना
क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर देंगे और हम लोग घुस जाएंगे अपनी क्लाइमेट में। तो देखेंगे 15 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स क्या कुछ है, देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।